अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल खिलजी पिजन हाउस। क्या हाल है जी दोस्तों का? दोस्तों को कहा था ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे आपको, हमारी ब्रीड कैसे चल रही है परिंदों की। तो मैंने कहा चलो शाम का वक़्त है, तकरीबन असर हो गई है, तो दाना वगैरह भी डालने के लिए आया था परिंदों को, और दाना कुछ मैं डाल दिया मैंने, तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बना देते हैं। थोड़ा सा पहले दाना डाला था मैंने, तो ऐसे ना दाना ना ज़ाया नहीं होता, ख़राब नहीं होता ना। आपको दिखाते हैं, ये हमारा मियाँ मिठू, ठीक है जी। मिठू चूरी खानी है आपने? चूरी खानी है? ओ रोटी खाएंगे आप? और अच्छा जी, माशाल्लाह जी, अंडिया दे बैठी जी मादी, ये देखो जी, ठीक हो गए जी। तो माशाल्लाह इन्होंने अंडे निकाले हुए 8-10 दिन से। तो अज़ान होने लगी, अज़ान होती तो फिर मैं आपको ना कंटिन्यू करके दिखाता हूँ वीडियो दोबारा। ये देखो जी, ये माशाल्लाह ये मैं दाना यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है जी। माशाल्लाह देख लिया आप लोगों ने, इस तरह का दाना आप भी यूज़ कराया करें। और ब्रीडिंग में दिखानी थी मैंने खुद, ये देखो माशाल्लाह ये दो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, अब आगे मादी ने अंडे निकाल लिए, ठीक है। माशाल्लाह ऐसे ये दो बच्चे ये बड़े हो गए हैं, मादी ने फिर अंडे निकाल लिए माशाल्लाह। ये जो उनसा डैनिश है ये हमारे ब्रीड कर ही नहीं रहा, अंडे नहीं करनी अभी, निकाल रहा ना इधर। माशाल्लाह एक बच्चा मैंने ना सिंगापुरी का पलवा रहा हूँ, अमेरिकन का, सच सिंगापुरी का उधर पलवा रहा हूँ, तो इधर बैठा होगा आपको दिखाते हैं। वो बैठा इनके नीचे ना, वो नीचे बैठा, ठीक है जी। उसके बाद इधर मैंने अंडे रखे हुए हैं गुब्बारे के, ठीक है जी। ये इधर माशाल्लाह अंडे निकले हुए हैं माशाल्लाह, ये शील्ड के ऊपर ने अंडे निकाले हुए हैं, इनके मैंने अंडे चेंज कर दिए थे। ये अमेरिकन है, इसने अंडे निकाले, ठीक है जी माशाल्लाह। इधर ब्लैक टेल ने अंडे निकाल दिए माशाल्लाह, वो देखो वो अंडे अपनी सेटिंग कर रही है माशाल्लाह। इधर ये देखो जी माशाल्लाह, ये गुब्बारे हैं, इन्होंने माशाल्लाह दोनों अंडे निकाल दिए, कल दो, एक था आज दो हो गए। ये बच्चे पहले निकले हुए हैं, ठीक है बाहर। और इधर माशाल्लाह ये देखो, ये गुब्बारों का बच्चा पल रहा है, इधर ये सिंगापुरी का बच्चा है पल रहा है, तो आगे ये अंडे भी निकाल लिए इन्होंने। तो इधर माशाल्लाह ये येलो टेल के बच्चे पल रहे हैं। तो ऐसे ही इधर ब्रीडिंग सेटअप है मेरा उड़ाने वालों का ना। इधर भी माशाल्लाह ये देखो, ये बच्चे पल रहे हैं, ये लक्कों के बच्चे हैं, वो उड़ाई वाले हैं, वो भी एक ब्लैक टेल का बच्चा है, ठीक है जी। ये देखो ये बच्चे बैठे हैं, इनके नीचे बच्चे हैं, नीचे अंडे दिए हुए हैं मादियों ने, ठीक है। ऐसे करके माशाल्लाह अच्छी ब्रीड चल रही है। इधर भी बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, 5-6 बच्चे ना, तो वो इंशाल्लाह आपको वो निकाल के अलग से वो भी दिखाएंगे, उनको लगाएंगे भी हम उड़ाने के लिए ना। तो अभी तो चलो जी माशाल्लाह, ये मेरा सेटअप था, आपको मैंने दिखाना था, दिखा दिया माशाल्लाह। तो अब क्या नाम है, आप भी अपने परिंदों का ख्याल रखा करें, आप भी अपने परिंदों को अच्छा दाना दिया करें, जिसकी वजह से ये ब्रीड अच्छी कर लें ना, क्योंकि जो उनकी ब्रीड है ना ये सब दाने के ऊपर होती है। तो ज़्यादा अंडे लेने से भी ब्रीड रोक देता है जानवर, क्योंकि वो अंडे लेते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। एक दफ़ा अंडे आप चेंज कर लिया करें, और दूसरी दफ़ा अंडे लाजमन उनसे ना आप पलवाया करें ना, उनकी वजह से वो अंडे नहीं रोकते। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा लें, मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। इंशाल्लाह भाइयों को बहुत बेनिफिट होगा, और जो दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं वो आगे दोस्तों के साथ शेयर किया करें और लाइक किया करें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।